करते हैं, इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल हम बताने वाले हैं। सबसे बड़ा पॉइंट पहला आता है कि कोई भी सेटअप हम लगाएंगे तो एरिया, जगह मुझे कितना चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट चाहिए सर। 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए ना। अब बात करते हैं 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, ठीक है, और ये मशीन चलाने के लिए घर की लाइटों चला जाएगा, चल जाएगा, या मुझे अलग से कोई लाइटों लेना पड़ेगा? आपको 3 फेज पे चलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस मशीन को चलाने के लिए आपको अलग से 3 फेज की बिजली लेनी पड़ेगी, क्योंकि समझ सकते हैं ये बिजनेस भी काफी लंबा चौड़ा करने वाले हैं। बात करते हैं प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन कितना होने वाला है? हाँ सर, इसका प्रोडक्शन आपको एक घंटे में 30 से 35 केजी बन के तैयार कर देगा। तो 30 से 35 केजी बन के तैयार करेगा तो ये 10 घंटे में 300 से 350 केजी बन के तैयार करेगा, मतलब अच्छा। आपका 20 रुपए का मार्जिन हो रहा है। 20 रुपए का मार्जिन जी सर, जिससे आप सिर्फ पर डे 6 से 7 हज़ार कमा सकते हो। पर डे 6 से 7 हज़ार कमा सकते हो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों फिर से मैं एक नए बिजनेस का तलाश में आ गया गोरखपुर से, दिल्ली NCR नोएडा में। आपको बताते चलो, यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो गाँव हो या शहर हो सालों साल चलने वाला, सारी जगह चलने वाला। क्यों, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बात करने वाला हूं। देख पा रही है झोला आपको दिख रहा है, कुछ लोग नॉन वेगन बोलते हैं, लेकिन हमारे जो ग्रामीण भाई पहले बोलते इस तरीके से झोला बनाने वाली मशीन। अब बात करते हैं, आज देखें गवर्नमेंट भी ऐसा हो गया है कि पॉलिथीन पर पूरा बैन लगा रखी है, तो अगर सब्जी वाला है तो भी झोले की जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल में लोग दवा भी ले जा रहे तभी इस तरीके का होता है, थैला इसका छोटा छोटा बनाया जा रहा है। बात करते हैं मिठाई वाला हो गया, वो भी झोला का यूज कर रहा है, मतलब कह सकते हैं गाँव हो या शहर हो मल्टीपल जगह पे ये झोले का यूज किया जाता है। तो समझ सकते हैं ये जो बिजनेस है सालों साल चलने वाला है और इसकी खपत भी काफी अच्छा होने वाली है। अब बात करते हैं इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, क्या परचेजिंग करना, क्या सारा सिस्टम होने वाला, सारी जानकारी मैं यहाँ के मैम से बातचीत करता हूँ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए रॉयल मशीनरी से मैम हमारे साथ मौजूद। नमस्ते मैम, क्या हाल चाल है? नमस्ते सर, बढ़िया, आप ना बताओ? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ के बारे में डिटेल सब बता दीजिए। सर मेरी कंपनी का नाम है रॉयल मशीनरी, ये आपको नोएडा सेक्टर 6 डी ब्लॉक 58 नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 15 जी। बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें मिल जाती हैं? सर देख सकते हो हमारे यहाँ तो बहुत सी मशीनें अवेलेबल है, सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन हो गया। और मैं आपको एक ऐसी बिजनेस के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि मार्केट में पॉलिथीन बैन हो चुका है, तो अभी सबसे ज्यादा डिमांड इसी बैग का आ रहा है, जो हमारा नॉन वोवन कैरी बैग जी, कपड़े का भी बैग आप बोल सकते हो, जो हमारे कपड़े का बैग बनता है, तो आप देख सकते हो। तो हम उसी मशीन के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो जिसका नाम है नॉन वोवन कैरी बैग जी जी। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, तो सर अगर आप मार्केट में जाते हो सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है, चाहे आप मिठाई के दुकान पे जाते हो, सब्जी के दुकान पे जाते हो, साड़ियों के दुकान पे जाते हो, मॉल में भी जाते हो, तो अभी आपको झोले बिल्कुल बिल्कुल चलने वाली है जी सर। तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये हमारे रॉ मटेरियल लगे हुए हैं, आप देख सकते हो ये रॉ लगा हुआ है, यहाँ से आपका ये फोल्ड हो रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ से आपका ये फोल्ड होके यहाँ से ये बनेगा आपका बैग, आप ये देख सकते हो बैग बनेगा, ठीक है ठीक है, यहाँ से आएगा फिर यहाँ से आपका बैग कटिंग होके निकल जाएगा जी जी, देख सकते हो आपका बैग यहाँ से कट होके निकल चुका है। अच्छा, कट होके निकल जाएगा जी सर। अब ये जब आपका कट हो जाएगा तो ये आपका ये एक पैनल है, आप पैनल देख सकते इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है स्पीड कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, लेंथ इसका है। एक और बात, अगर आप छोटा बैग भी बनाना चाहते हो उसके लिए आप अलग से रॉ मटेरियल डाल सकते हो। अच्छा, अच्छा। छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कलर वाला भी डालना अच्छा। चाहते हो तो बात करें जो मशीन है, ये जो बैग छोटा बड़ा बता रहे, इसके लिए अलग अलग डाई सेट करना पड़ता है क्या? नहीं सर, डाई तो एक ही रहेगा, रॉ मटेरियल आपको चेंज करना होगा। अच्छा अच्छा जी सर, ठीक। और ये आपका हो गया एक पंचिंग मशीन जी जी, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जैसे कि पंचिंग करना, आप ये देख सकते हो इसका काम है यू कट डब्लू कट डी कट जी, तो ये देख सकते हो आप, ये डब्लू कट बन के तैयार, ये डब्लू कट है। अच्छा, देख सकते हैं आपको पूरा डब्ल्यू लिखा हुआ है। बात करते हैं इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल हम बताने वाले हैं। सबसे बड़ा पॉइंट पहला आता है कि कोई भी सेटअप हम लगाएंगे तो एरिया, जगह मुझे कितना चाहिए? 1000 स्क्वायर फीट चाहिए सर। 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए ना। अब बात करते हैं 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, ठीक है, और ये मशीन चलाने के लिए घर की लाइटों चला जाएगा, चल जाएगा, या मुझे अलग से कोई लाइटों लेना पड़ेगा? आपको 3 फेज पे चलेगा। 3 फेज पे चलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस मशीन को चलाने के लिए आपको अलग से 3 फेज की बिजली लेनी पड़ेगी, क्योंकि समझ सकते हैं ये बिजनेस भी काफी लंबा चौड़ा करने वाले हैं। बात करते हैं प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन कितना होने वाला है? सर इसका प्रोडक्शन आपको एक घंटे में 30 से 35 केजी बन के तैयार कर देगा। तो 30 से 35 केजी बन के तैयार करेगा तो ये 10 घंटे में 300 से 350 केजी बन के तैयार करेगा, मतलब आपका 20 रुपए का मार्जिन हो रहा है। 20 रुपए का मार्जिन जी सर, जिससे आप सिर्फ पर डे 6 से 7 हज़ार कमा सकते हो। पर डे 6 से 7 हज़ार कमा सकते हैं। अगर 6 हज़ार भी एवरेज लेके चलते हैं दोस्तों, अगर बात करें तो ये महीने के करीब 1,80,000 हो जा रहा है, 2 लाख हो रहा है ना। अगर उतना हो पाए तो उसका 50% अगर ऑफ कर देंगे सब कुछ काटने पीटने के बाद, तो मोटी मोटा लाख रुपए आप कमा ही सकते हैं जी सर।
तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर मशीन को बाइक कोई खरीदता है तो मतलब खरीदता है तो किस तरीके से खरीदेगा, प्रोसेस क्या होने वाली है? सर देखिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, कॉल करोगे तो सारी डिटेल सारी जानकारी आपको मिलेगी, प्लस अगर हो सके तो आप विजिट करो, जब आप विजिट करोगे वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब आप यहाँ आओगे हमारे यहाँ मशीन है, आप मशीन को भी देख सकते हो, देखोगे समझोगे तभी तो आप लोगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो और विजिट करो। कुछ ऐसे हमारे भाई जो गरीब तबके के हैं लेकिन उनकी चाह कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, तो बात करें तो क्या गवर्नमेंट भी कुछ इसमें हेल्प कर रही है? हाँ जी सर, गवर्नमेंट तो आपकी पूरी हेल्प कर रही है, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो आप तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 35% की सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी मिल जा रही है सर, मतलब 35% मतलब छूट मिलने वाला। हाँ जी सर। तो दोस्तों दिस इज बहुत बड़ी बात कि इसमें गवर्नमेंट भी छूट दे रही है, तो काफी बेनिफिट आपके होने वाला है। अगर बात करें इस मशीन को कोई लेके जाता है तो कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट होने वाली है? सर देखिए अगर आपको मार्केटिंग में कोई मतलब मार्केटिंग में हमारे सीनियर आपकी हेल्प, हमारी कंपनी की तरफ से आपकी हेल्प होगी, प्लस जो भी दिक्कत होगा हमारी कंपनी आपकी पूरी मतलब हमारी कंपनी की तरफ से आपको पूरा फैसिलिटी मिलेगा, पूरा फैसिलिटी मिलेगा जी सर। और गारंटी वारंटी की बात करें तो सर इसकी गारंटी होगी आपको 1 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विस मिलेगी। 5 साल की फ्री सर्विस मिलने वाली है। जैसे 5 साल बीत जाता है तो क्या 5 साल के बाद आप लोग हाथ जोड़ लेते हैं या कंपनी का और आगे लाइफ टाइम तक सपोर्ट रहता है? नहीं सर, लाइफ टाइम तक सपोर्ट रहेगा, कभी भी आप कॉल कर लोगे, कभी भी आप यहाँ के विजिट भी कर सकते हो, आप कभी भी हमारे सीनियर से बात करके अपनी मशीन में जो भी दिक्कत है आप अपनी पूरी बात बता के अपना पूरा हेल्प ले सकते हो। मशीन लेके जाए तो मेरा भी और ऐसा बिल्कुल नया होगा, उसको इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं रहेगा, तो मशीन कैसे चला गया इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर देखिए अगर आपको इसकी आइडिया नहीं तो हमारे कंपनी की तरफ से आपके यहाँ टेक्नीशियन जाएगा, टेक्नीशियन जाएगा जो कि आपको पूरा ट्रेनिंग देगा इसके बारे में, पूरा ट्रेनिंग देगा जी सर, पूरी बातें समझाएगा प्लस आपको सब कुछ दिखाएगा कैसे क्या करना है। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं जहां तक संभव हो सका मैंने इस बिजनेस के बारे में और सारी जानकारी आपको देने की कोशिश किया। फिर से अगर कुछ कमी आ जाती है तो जो डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर डायरेक्टली कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।